हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं अगेन अमेजोन हॉल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. एंड ये अमेजोन हॉल में मैं आप लोगों को चार से पांच चीजें दिखाने वाली हूँ जो कि हमारे पूजा रूम को डेकोरेट करने के लिए एंड पूजा रूम में जो इसेंशियल होनी चाहिए वो सारी चीजें हैं एंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे पूजा को हैसल फ्री बनाती है एंड बहुत ही इजी हो जाने वाला है अब हमारी डेली पूजा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने अमेजोन से क्या क्या चीजें मंगवाई हैं. तो सबसे पहले मैं एक डेकोरेशन आइटम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है. इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में वो आया था, आप चेक कर सकते हैं. ये एक्रेलिक स्टिकर हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टिकर्स आए हैं तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूं. इस तरीके के डब्बे में ही आया था, ये आप चेक कर सकते हैं. ये देखिए इसका प्राइस 265 रुपीज है एंड इसमें ये सारी चीजें मुझे इकट्ठे आई हैं. ये चरण पादुका है, आप चेक कर सकते हैं एंड इसका साइज काफी डिसेंट है, काफी बड़ा है. इसमें एक लेयर लगा हुआ है जो कि आपको हटाओगे तो वो ग्लास हो जाएगा एंड ये पीछे आप हटाओगे तो यहां से आप स्टिक कर सकते हो वॉल पे. तो ये एक्रेलिक वॉल स्टिकर्स हैं. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वॉल स्टिकर्स कवर किए हैं अपने चैनल पे, आप चाहो तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो. ये शुभ लाभ लिखा हुआ एक है इसमें, ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट चीजें आई हैं वहां से. ये दिया दिख रहा है, आप अगर पूजा रूम को अपने डेकोरेट करने का सोच रहे थे तो इन डेकोरेटिव पीसेस के साथ आप उसे डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है. एंड ये दिया के आगे इस तरह से लगने वाला है. ये दिया का ज्योत हो गया. टोटल मैं भी आपको बता देती हूं कौन सी कितनी चीजें आई हैं मेरे पास. एक हो गया शुभ लाभ का स्टिकर, एक हो गया चरण पादुका, टोटल छह मेरे पास आई हैं ये दिया. अगेन ये दो मेरे पास आई हैं इस तरह के स्वास्तिक बने हुए हैं जो कि आप अपने मंदिर डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो वॉल्स पे, या आपके पास अगर छोटी सी मंदिर है तो उसमें भी आप इस तरह लगा सकते हो. एंड ये मेरे पास दो ओम लिखा हुआ स्टिकर भी आया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है. आप इसे मल्टीपर्पस यूज भी कर सकते हो. अगर आप नहीं चाहते हो इसे अपने पूजा रूम में डेकोरेशन में यूज करना तो आप अपने एंट्रेंस वॉल पे भी इसे यूज कर सकते हो, या अपने किसी और रूम में भी आप इसे यूज कर सकते हो, या आपके पास कैबिनेट है पूजा का आप उसमें भी इसे यूज कर सकते हो. तो बहुत ही बेहतरीन चीज मुझे लगी कि डेकोरेशन पर्पस से, क्योंकि पूजा रूम में अगर इस तरह का आप कुछ लगाते हो तो बहुत ही अच्छा वातावरण उससे बन जाता है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. दूसरी चीज जो मैंने वहां से मंगवाई है अमेजोन से ये है, मैं आपको करीब से दिखा देती हूं. ये है स्वाहा प्योर काउ घी इजी दिया, या जिस तरीके से हमारे पास आजकल हम लोग टी लाइट यूज करते हैं ना, उसी तरीके का ये दिया आजकल आ गया है जो कि काउ के घी का है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई हैं सारा का सारा अमेजोन चॉइस के अंडर आता है, तो बहुत लोगों ने इसे यूज किया है एंड बहुत ही अच्छा फीडबैक सबका रहा है. तो ये वन मंथ सप्लाई, 30 मिनट्स बर्निंग टाइम है इसका, कोई वैक्स नहीं है इसमें एंड नेचुरल है जैसा कि ये क्लेम करता है. ये 120 रुपीज है, मुझे तीन डब्बे मुझे ये रिसीव हुए थे, ये चेक कर सकते हैं आप. ये तीन डब्बे मुझे 120 रुपीज में रिसीव हुए हैं एंड एक सैशे में, एक डब्बे में टोटल 30 दियाज हैं. तो चलिए आके खोल के देख लेते हैं किस तरीके का है ये. ये जस्ट मेरे पास आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, अभी मैंने इसे यूज नहीं किया है. ये आप चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे से दिया के साइजेस का है ये, जैसे हमारे पास कैंडल लाइट होता है टी लाइट
उसी तरीके का ये है, लेकिन ये घी के दिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर पूजा में आपको चाहिए तो आप इजिली किसी भी एक को निकालिए एंड आराम से उसे लगाइए एंड यूज कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत ही ज्यादा ये अफोर्डेबल भी लगा। जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखा रही हूं वो ये है, ये है टिप एंड टॉप का दिया स्टैंड होल्डर। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल होती है उसमें ये पकड़ने का नहीं होता है बहुत सारे घरों में, मेरे पास क्योंकि पहले नहीं था, बट जब मैंने अमेजोन पे देखा तो मैंने इसे फटाफट मंगवा लिया। ये मुझे कॉस्ट पर इसका 195 रुपीज। एंड इसमें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वुड का ये पकड़ने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी जैसे मैंने इसमें दिया मंगवाया, अब इसे नॉर्मल मैं इसमें लगा दूंगी एंड इसे बर्न करके आप इसे आराम से इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बहुत यूज भी किया है, बट अभी आप चेक कर सकते हैं इसका शाइन अभी भी ये कर रहा है। तो मुझे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लगा ये। तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट एंड अब मैं आपके साथ अपना फोर्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास आज ही ये प्रोडक्ट आया है एंड आप ये चेक कर सकते हैं। ये टॉर्टोइज के शेप में है, गोल्डन ब्रास का। ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप है ये। ये अगरबत्ती जो भी हम लोग जलाते हैं उसे उसका स्टैंड है, ये इस तरीके से रख के आप यहाँ पे, ये आप मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे होल दिया हुआ है। यहाँ पे आप 1 से 5 तक अगरबत्ती इसमें आप डाल सकते हैं, ये अगरबत्ती स्टैंड है, 5 अगरबत्ती इससे डाल दीजिए और जो भी उसके एशेज होंगे वो इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अगरबत्ती स्टैंड है, बट जब इसमें अगरबत्ती नहीं लगाई रहती है तो ये आप देख चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा पीस की तरह भी, शो पीस की तरह भी ये काम करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, अमेजिंग लगे, जो मैंने अमेजोन से परचेज किया। तो इसका हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड मेरे दूसरे वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।